लोग आज जा रहे हैं एक इवेंट पे दिल्ली में। आई गेस पहला इवेंट होगा, नहीं पहला तो नहीं, क्योंकि मैं जितने भी आज तक इवेंट्स पे गई सब मूवी वगैरह के होते हैं, ये वाला काफ़ी डिफरेंट है। सो लेट्स सी कैसा जाता है, बाकी मैं वाइब नहीं कर पाती हूँ इवेंट्स वगैरह में, बट इस बार मेरे साथ जा रही है लड़की, तो शायद मतलब एक दोस्त है तो शायद हम दोनों वाइब कर पाए। और हमारे साथ एक जना तो होता ही है, गेस करो, हर्षित। और इसको बुलाया नहीं है बट हम सिक्योरिटी के लिए लेके जा रहे हैं, क्योंकि मेरी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा बुलाया नहीं है, बट ऊपर से ऑर्डर आया मेरा, ऑर्डर आया मेरे घर वालों ने, ऑर्डर दी हर्षित को लेके जाओ, तो ये जा रहा है। बट आई गेस एंट्री नहीं हो पाएगी, तो ये वहाँ पे मंदिर में रहेगा थोड़ी देर और फिर उसके बाद हमें पिक कर लेगा। सो या अभी हम पहुँच गए थे। हम लोग पहुँच चुके हैं अपनी लोकेशन पे एंड अभी यहाँ पे तो कुछ शुरू ही नहीं हुआ है एंड हम यार सबने जल्दी आ गए, हम 6:30 हो गए, हम पहुँच गए 5-6 बजे की टाइमिंग थी स्टिल। तो अभी हम लोग वॉशरूम में हैं, किसी को अंदर नहीं आने दे रहे, लॉक कर रखा है। अभी बाहर चल के आपको दिखाते हैं कैसा क्या है। अगर मैं बाहर ब्लॉक कर पाई तो आप लोगों को पता है मेरी शर्म, बेशरम तो बाहर चल के मैं थोड़ी, वरना मैं वाइब नहीं कर पाती।
ना, बाकी मजा आया बहुत ज्यादा। घर पे मेरे लाइफ अलग है, क्योंकि हम कहीं से भी आ जाए कुछ भी कर ले आके रोटी बनानी पड़ती है। अभी रोटी बना रही हूँ, मैं थक चुकी हूँ। सो गाइस, मैं आ गई हूँ और अभी बज रहे हैं 12:30। मैं जस्ट रोटी बना के हटी हूँ। वैसे ना मैं व्लॉग में बहुत बारी बोल भी देती हूँ, पर फिर मैं एडिट नहीं करती हूँ। पर होता है क्या है, मेरे को अब चीज़ें ना ऐसे फील होती है, क्योंकि मेरे साथ में भी जो होती उसको कॉल करके स्पेशली पूछ रहे हैं खाना खाया या नहीं, तेरे लिए बना के रखी या नहीं। और मेरे घर पर लिटरली वेट करते हैं मैं आऊँ खाना बनाऊँ। मेरे को बहुत वो होता है, कोई गया है, कितने बजे गया, थक गया है। मुंबई में भी मैं थी इतने दिन, घर का खाना बोलते ना आके चाहिए होता है, नहीं मिला, खुद बना रहे हो, तो ये चीज़ें होती रहती है। मैं इतना वो नहीं करती, पर मुझे लिटरली फील होती है। और कुछ भी कर लो इवेंट में आप, मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि लोगों को ना सिर्फ सोशल लाइफ दिखती है कि इंस्टा पे हम जितना लिमिटेड पोस्ट करेंगे, इंस्टा पे तो ये सब नहीं डाल सकते ना। इंस्टा पे हम लिमिटेड पोस्ट करते हैं कि इवेंट में गए, इन्जॉय मार रहे, बट उसके बाद भी ये सब होता है मेरे साथ। तो बाकी क्रिएटर्स का आई डोंट नो, जो जितना शो करता है उतना ही पता लगता है। एंड एक और चीज़ है, लास्ट भी जो वीडियो मैंने करी थी वो कियारा वाली, उसमें भी मुझे पता था आएंगे, या मीशो से ऑर्डर करी कियारा, ये वो आते रहते हैं भाई पूरा दिन का। तुम लोग देखा करो पहले कितना उसमें मेहनत लग रही है, फिर कमेंट किया करो। आई नो कमेंट करना ईजी होता, बट स्टिल तुम लोग बैठ के सिर्फ कमेंट कर रहे हो, बाकी पूरा बंदा उस पर मेहनत कर रहा है, चाहे वो जैसे भी कर रहा हो। और ऑब्वियसली रिक्रिएशन है, रिक्रिएशन का मतलब होता है उसके जैसा कर रहे हैं भाई, शक्ल नहीं बदल सकते हैं हम लोग तो। और वो मनीष मल्होत्रा पहन रहे हैं 5-6 लाख का, हम उतना अभी अफोर्ड नहीं कर सकते कि रिक्रिएशन के लिए वो सब पहने। थोड़ा खुद भी दिमाग लगाया करो, सेंस यूज़ किया करो, उसके बाद कमेंट किया करो। ये सिर्फ थिएटर्स के लिए था, बाकी जो लोग सपोर्ट करते हैं उनके लिए है ही। एंड या इवेंट में काफ़ी मज़ा आया था, पहली बार मैंने ऐसे सोशलाइज किया, पर मैं बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, बहुत इंट्रोवर्ट हूँ। सो इस बार ही मज़ा आया, एंड आई होप सो आपने भी ग्लिम्स देखे होंगे। और यस, यही था आज का ब्लॉग। अब मैं एक्टिव रहूँगी यूट्यूब पे, सो यस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत थक गई।